इस वीडियो में आपको पूरा कॉलम का शुरुआत से लेके कॉलम के ढलाई के बाद तक की आपको क्या करना है सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि कॉलम जो हम बनाएंगे तो कॉलम का पोजीशन निकाला जाता है कि हमारा जो कॉलम का पोजिशन कहाँ आएगा। पोजिशन निकालने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि उसका स्टार्टर बनाया जाता है। अब स्टार्टर जैसा मैं आपको पहले भी वीडियो डाल चुका था उसमें बताया था, स्टार्टर आपको जो भी हमारा दीवार का या कमरों का पोजिशन होता है उसको पहले सूत से साहुल से हम चेक करते हैं, उसके बाद उस स्टार्टर को बनाते हैं। स्टार्टर बनाने से हमें यह फ़ायदा होता है कि हमारा जो कॉलम का पोजीशन है वो फिक्स हो जाता है, यानी कि वो अपने जगह पे रहता है। अगर आप स्टार्टर नहीं बनाते हैं तो अगर हम डायरेक्ट कॉलम का भराई कर देते हैं तो कॉलम हमारा वहाँ से टेढ़ा हो सकता है, सीधा नहीं होगा, जिससे हमारा बाद में हम दीवार बनाएंगे या रूम बनाएंगे तो हमारा कमरा ख़राब हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सरिया छूटा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये छोटा छूटा हुआ है, ये फिर एक बड़ा छूटा हुआ, फिर ऐसे ही छोटा है 3 फीट का, फिर ये देख रहे हैं 4 फीट पे, यानी कि 1 से 1.5 फीट का दोनों में डिफरेंस है। तो कभी भी लैपिंग के लिए ऐसे सरिया छोड़ना है जिससे कि हम ऊपर उसके जोड़ सके उसमें। अब तो वही अब बता रहा हूँ कि आपको जोड़ना कैसे है, तो आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि ये जब हमें यहाँ नीचे से ये सरिया आ रहा है, अब इसके ऊपर ये 16 mm का जो स्टील हम यूज कर रहे हैं, तो ये 16 mm का स्टील यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हुक ये जोगल बनाया गया है, यहाँ पे जोगल बना के तब इसमें ये लैपिंग चढ़ाया गया है। अब यहाँ से जो ये लैपिंग चढ़ा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये नीचे आप देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ तक आया हुआ है, ये रहा पोजीशन इसका, यानी कि पूरा ये 16 mm का सरिया है। तो 2.5 फीट हमने यहाँ पे लैपिंग लेंथ दिया हुआ है। अब ये इसलिए दिया जाता है, और ये जोगल मारने से, ये जोगल जो मारना है आपको 45 डिग्री बेंड करना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे नीचे से ये सरिया आया हुआ है यहाँ ख़त्म हुआ है, तो इस पर ये सेंटर टू सेंटर यानी मिल जाता है, तो लोड जो ऊपर से आएगा यानी हमारे ऊपर पिलर से आएगा वो आराम से जब सेंटर टू सेंटर यहाँ कंटेक्ट बना रहेगा तो इससे लोड हमारे नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये लैपिंग लेंथ है ये 2.5 फीट हम देते हैं, तो ये क्या होता है कि अगर हमारा ये दोनों आपस में यहाँ लोड को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप छोटा अगर यहाँ लैपिंग दे देंगे तो हो सकता है कि अगर ये पोजीशन आपस में नहीं बना रहा है, अगर ये डिस्प्लेस हो गया तो वहाँ पे ये लोड को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, और कोई फोर्स लगता है तो ये जो आपका रिंग खुलेगा तो ये सरिया भी आप एक दूसरे से स्लिप कर जाएगा यानी हट जाएगा। तो इसलिए कभी भी जोगल मार के या दूसरा जो लैपिंग लेंथ देना है आपको 40D या 50D के हिसाब से, जितना mm का आपका सरिया हो उतना ही आपको डालना है। जैसे कि अगर 12 mm का आप यूज कर रहे हैं तो 50D के हिसाब से 600 mm हो गया, तो यानी 2 फीट कम से कम आपको ये जो यहाँ से जहाँ से बेंड हुआ है ये आपको 12 mm का सरिया में 2 फीट आप देख रहे हैं यहाँ तक आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये तो 2 फीट, ये 16 का है तो हमने यहाँ 2.5 फीट से लेके 2.75 फीट का रखा है। और ये देख सकते हैं कि एकदम जहाँ पे बेंड है, जहाँ पे ये जोगल लगा है वहीं पे ये सेंटर टू सेंटर सरिया आपस में मिल रहा है, आसानी से ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जितना आपको सरिया देना है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें 10 सरिया है, तो 10 का 10 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जोगल मार मार के तब वहाँ पर उसको यहाँ पे ये किया गया है, आपस में टाई किया गया है। जहाँ पे ये सरिया मीट कर रहा है यानी आपस में एक दूसरे से मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि आपस में जहाँ भी ये मिल रहा है, पहला यहाँ पे डबल बाइंडिंग वायर से आपको मजबूती से बांध देना है। आप इसके बाद जो अगला चीज़ हम कॉलम में हम ढलाई के लिए अपना फर्मा लगाते हैं, चाहे आप प्लाई बोर्ड का फर्मा यूज कर रहे हो या MS प्लेट का, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। फर्मा लगाने से पहले आपको करना यह होता है कि उस फर्मे में पहले अच्छे से शटरिंग आयल जो होती है उसको आपको लगा देना है। शटरिंग आयल लगाने से ये होता है कि कॉलम जब आप ढलाई करते हैं तो वो मसाले से वो फर्मा चिपकता नहीं है, अगर वो वहाँ पे अगर चिपक जाता है तो उसे खोलने में हमें बहुत मुश्किल होती है, और कई बार देखा जाता है कि वहाँ से वो कंक्रीट लेके उखड़ जाता है जिससे हमारे कॉलम में हॉनी कम बन जाता है, हमारा सरिया दिखने लगता है। इसलिए आपको शटरिंग आयल जरूर यूज कर लेना। शटरिंग आयल लगाने के बाद फिर हम अपना फर्मा को खड़ा करते हैं। फर्मा खड़ा करने के बाद अगला जो प्रोसेस ये होता है कि हम फर्मा खड़ा करने के बाद उसको सबसे पहले प्लम बम से चेक करेंगे, यानी साहुल आपको लगा लेना है कि कॉलम जो हमारा है वो एकदम बिल्कुल सीधी खड़ी है कि नहीं। अगर वो सीधा नहीं है तो उसको सीधा करके और फिर उसको जिधर से सपोर्ट चाहिए, आप जैसे बल्ली देख रहे हैं उधर से आपको सपोर्ट से उसको फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है ढलाई से पहले आपको क्या करना है कि जो हम सरिया उसमें हम यूज किए हुए हैं यानी जो पिलर के लिए हम सरिया बांधे हैं उसके चारों साइड से फर्मे के बीच में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 40 mm का कवर ब्लॉक आपको लगा लेना है। 40 mm का कवर ब्लॉक लगाने से ये होता है कि हमारा जो कॉलम
कॉलम है वो चारों साइड से उसको में कंक्रीट भर जाए अच्छे से और हमारा कॉलम बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाए। अगर कहीं से सरिया आपका चिपक रहा है तो उधर से आपको कवर लगा के और उसमें 40 mm का गैप जरूर दे देना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि ढलाई से पहले जब आप उसमें मसाला डालेंगे, ढलाई से पहले आपको उसमें क्या करना है कि पानी डाल लेना है कॉलम में नीचे। अब पानी अगर उसमें थोड़ा सा अगर सीमेंट सलरी पतला आप मिला के डालते हैं तो और अच्छा है। उसमें होता क्या है कि अगर आप पानी डाल लेंगे या फिर आप ऊपर से उसमें कंक्रीट डालते हैं तो अच्छे से नीचे तक बैठता है, यानी कि नीचे के सरफेस पे चला जाता है और हमारा जो सूखी हुई जो कॉलम की नीचे की सरफेस रहती है वहाँ तक उसमें मॉइस्चर चला जाता है, जिससे हमारा मसाला आपस में बॉन्डिंग अच्छा बनाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि जब हम उसमें फिर मसाला डालना स्टार्ट करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि मसाले के मिक्सिंग करते हैं, जो IS स्टैंडर्ड कोड हमारा कहता है कि आपको पिलर में जो RCC वर्क होता है उसमें M20 का रेशियो यूज करना चाहिए ग्रेड का। अब M20 का मतलब होता है कि आप जैसे एक तसला मैं यहाँ पे अगर सीमेंट लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे कम से कम 1.5 तसला मोरम होना चाहिए और 3 तसला मेरा जो है ये एग्रीगेट होना चाहिए। ये कि अगर एक बोरी में आपके 3 तगाड़ी अगर सीमेंट निकल रहा है तो जब आप 3 तसला उसमें सीमेंट डालेंगे तो आपको कम से कम वहाँ पे 6 तसला जो है बालू डालना होगा मोरम और फिर वहीं 8 से 9 तसला आपको एग्रीगेट यानी कि गिट्टी यूज करना होगा रोड़ी। बहुत सारे साइटों पे होता क्या है कि अगर 10 फीट हाइट की आपकी छत है तो वहाँ पे जितना तक आपका लेवल कॉलम का होगा यानी 9 फीट लेवल तक अगर आपको कॉलम रखना है तो वहाँ कॉलम की कास्टिंग एक साथ कर दी जाती है तो उसमें वहाँ पे कॉलम में कोई वहाँ पे जॉइंट का चांसेज नहीं होता है। वहीं बहुत सारे साइटों पे अगर हमारे पास पूरे 8 फीट 9 फीट के लंबे जितना हमारा छत का लेवल लेना है वहाँ तक का अगर फर्मा नहीं होता है, शटरिंग नहीं होता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि छोटा जो हमारे पास MS का फर्मा होता है या प्लाईबोर्ड होता है 5 फीट का 4 फीट का तो हम उतना कास्टिंग करते हैं यानी कॉलम की उतना ढलाई करते हैं, फिर बाद में उसको दोबारा से ऊपर बढ़ाते हैं यानी फिर दोबारा से जब कॉल वहाँ कास्टिंग वो हो जाता है 1-2 दिन बाद हम उसके फर्मे को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद से उसके ऊपर दोबारा से हम उसमें फर्मे लगा के दोबारा से कास्टिंग करते हैं। तो जो दोस्तों 2 बार में या 3 बार में आप थोड़े थोड़े से जो कॉलम को कास्टिंग करते हैं और फिर उसके बीच को यानी कि अगर आप 3 फीट उठाए और फिर उसके ऊपर से 3 फीट कास्ट करेंगे तो वहाँ पर एक जॉइंट आ गया, फिर जब 6 फीट के बाद फिर 3 फीट का फर्मा लगाएंगे पूरे 9 फीट तक करने के लिए तो वहाँ पर एक जॉइंट आ गया। तो दोस्तों इसी जॉइंट को हम कोल्ड जॉइंट भी बोलते हैं हमारे कंक्रीट के भाषा में, और इसको यहीं दोस्तों जहाँ पे ये जॉइंट होता है वहाँ पे आपका हेयर लाइन क्रैक बनता है जैसे यहाँ फोटो में दिखाया गया है, और वही क्रैक धीरे धीरे अगर वहाँ पे अच्छे से सीयर की प्रोवाइड नहीं किया और सरिया में अच्छे से लैपिंग अगर नहीं दिया गया है तो धीरे धीरे क्रैक दोस्तों बढ़ता जाता है और फिर वहाँ से हमारा अगर कभी हमारा अर्थक्वेक आ जाता है या फिर हमारा कोई हॉरिजेंटल फोर्स हमारे आप जानते हैं कोई भी वर्टिकल चीज़ कॉलम हो गया दीवार हो गई तो उस पर हमारा हॉरिजेंटल फोर्स लगता है तो हॉरिजेंटल फोर्स लगेगा तो हमारा क्या होगा कि कॉलम वहाँ से जहाँ पे जॉइंट है वहाँ से टूटने का चांस होता है या हैवी अर्थक्वेक आ जाता है तो सेटलमेंट वगैरह के चांस में फोर्स लगता है तो वहाँ से भी कॉलम टूटने का चांस होता है। तो इसलिए जहाँ भी आपका जॉइंट बन रहा है अगर आप कॉलम में जॉइंट दे रहे हैं तो आपको वहाँ पे सीयर की जरूर प्रोवाइड कर देनी है कॉलम में। सीयर की क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉलम जब भी आप कास्टिंग करें तो उसमें आपको बीच में कम से कम 4 इंच गहरा और कम से कम 6 इंच चौड़ा, अगर 9 इंच का आपको पिलर की ढलाई कर रहे हैं तो आपको 6 इंच उसकी चौड़ाई 4 इंच उसकी गहराई में एक बॉक्स की तरह खांचा छोड़ देना है। जितनी आपकी पिलर की चौड़ाई बढ़ती जाएगी आपको उसका जो चौड़ाई है सीयर की का वो आपको बढ़ाते जाना है और जो उसका आपको गहराई देना है वो आपको 4 इंच ही रखना है। सीयर की देने का और भी तरीका होता है, साइट पे आप नॉर्मल एक ईंट लेके आप उसके जब पिलर की कास्टिंग कर रहे हैं तो उस टाइम वहाँ ईंट उसमें फंसा के और फंसा सकते हैं और कंक्रीट की फाइनल सेटिंग टाइम यानी सेट होने से पहले आप उसके उस ईंट को निकाल लें। सीयर की साइट पे बहुत तरीके से दिया जा सकता है, जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं कि सीयर की आप नॉर्मली सरिया से होल करके 5-6 होल कर दें उससे वो भी आपका सीयर की का काम करता है, यानी कि जब आप नया उस पर पिलर की कास्टिंग करेंगे जब उसमें कंक्रीट डालेंगे तो आपका जो नया कंक्रीट है वो उस होल में जाके फंस जाता है जिससे जो जॉइंट होता है वो प्रॉपर जॉइंट बनता है। तो जब भी आप अपना एक पार्ट का कॉलम का ढलाई करते हैं यानी 3 फीट 4 फीट तो जो उसका ऊपर का सरफेस आता है वो आपको रफ कर देना है और उसमें सीयर की आपको जरूर दे देना है। उसके बाद अगले दिन या फिर नेक्स्ट डे जब आप दूसरा अपना उसके ऊपर कॉलम की कास्टिंग करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि सीयर की आपका एंकरेज का काम करता है और पिलर को ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जब आप ढलाई करेंगे तो उस टाइम आपको जो वाइब्रेटर जरूर यूज करना है, बहुत जगह जैसे आप यहाँ देख रहे हैं
रहे हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कॉलम जो भरा जा रहा है उसमें लकड़ी या सरिया जो है लोग उसको यूज करके उसको स्ट्रक करते हैं नीचे मसाले को बैठाने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उसमें वो नीचे तक अगर वाइब्रेशन से पूरा नीचे नहीं पहुँचेगा तो वहाँ हनीकॉम्ब आने का चांस रहता है, छोटे छोटे हमारे कॉलम में छिद्र बन जाता है जिससे एयर वर्ड बन जाता है, तो वहीं से हमारा क्रैक आने लगता है, वहाँ से हमारा जो मॉइस्चर होता है वो अंदर जाने लगता है, तो हमारे सरिया में धीरे धीरे रस्ट पकड़ने लगता है, जंग लग जाता है जिससे हमारा कंक्रीट पपड़ी बन के उधर जाता है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस ये होता है कि वाइब्रेटर आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। वाइब्रेटर ही हमारे कॉलम की मजबूती का राज होता है, जितना वाइब्रेटर यूज करेंगे उतना आपका कॉलम का स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद जब आप कॉलम की ढलाई कर लेंगे तो उसके बाद जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको फिर से दोबारा से प्लम्ब बम लगा के उसको साहुल से चेक कर लेना है, और उसको सीधा अगर कहीं से आपको डिफेक्ट लग रहा है तो एक और बात आपको बता दूं कि कॉलम में जो डिफ्लेक्शन होता है यानी जो बेंड होता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 mm तक का, अगर आप 10 फीट का 3 मीटर तक का आप कॉलम बना रहे हैं तो उतना अलाउ किया जाता है हमारे ISA स्टैंडर्ड कोड की तरफ से, उससे ज़्यादा अगर होता है तो फिर वो आपका कॉलम तोड़ना पड़ सकता है, इसलिए आपको साहुल अच्छे से चेक करके सपोर्ट लगा लेनी है। साहुल करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा कॉलम एक पोजीशन में सीधा खड़ा रहता है और उसका अलाइनमेंट सही रहता है, इसलिए साहुल आपको ज़रूर बार बार चेक कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इस कॉलम को 12 घंटे तक छोड़ देना है, 12 घंटे के बाद आपको उसको फर्मे को खोलना है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ फर्मे को खोल के हटा दिया गया है। फर्मा खोलने के बाद आपको करना क्या है कि उसको हल्का सा पानी से पहले छिड़काव कर देना है, और उसके बाद तुरंत आपको करना क्या है, बहुत लोग देखा जाता है कॉलम में डायरेक्ट पाइप से पानी मारते हैं, और ये कॉलम आप जानते हैं कि सीधा वर्टिकल चीज़ होता है, ये पानी आसानी से नीचे गिर जाता है, यानी कि वो प्रॉपर पानी को मॉइस्चर को खींच नहीं पाता है जिससे हमारा कॉलम जो कंक्रीट है वो स्ट्रेंथ को गेन नहीं कर पाता है। तो उसको अच्छे से तराई करने के लिए सबसे पहले आप जैसे यहाँ वीडियो में देख रहे हैं जूट का बोरी है पूरा ऊपर से नीचे तक कॉलम में लगाए बांध दिया जाता है, और उसके बाद उसमें हल्का सा पानी का मॉइस्चर यानी छिड़काव किया जाता है जो कि ऊपर से नीचे तक भींगते भींगते पूरा जूट का बैग भींगा रहता है, तो उससे क्या होता है धीरे धीरे कंक्रीट हमारा उससे मॉइस्चर खींचता रहता है और उससे हमारा जो कॉलम है वो अपना मॉइस्चर को गेन करते रहता है, और उसका जो रिएक्शन होता है सीमेंट का वो बहुत स्लो हो जाता है, तो उससे मजबूती उसमें आता रहता है। और गर्मी के दिनों में खासकर आपको सुबह दोपहर और शाम में 3 बार जूट के बैग को चेक करना है कि उसमें पानी अभी है कि नहीं, अगर आपको लग रहा है कि पानी सूख रहा है तो तुरंत उसको आपको भिंगा दे, यानी उसमें आपको पानी मौजूद रखना है मॉइस्चर बना के रखना है। और जो कॉलम पे क्यूरिंग यानी जो तराई करनी है ये कम से कम गर्मी के दिनों में आपको हफ्ता से 10 दिन तक जरूर करनी है, और वहीं नॉर्मल डे में अगर आप कॉलम बना रहे हैं तो आप 1 हफ्ता 2 बार दिन में तराई कर दे तो काफ़ी होता है, तो 10 दिन आपको तराई जरूर करनी है जिससे कॉलम अपना मजबूती बना के रखे।